महोदय सदैव से ही इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि चाहे कोरोना वॉरियर्स हों या जो भी आमंत्रित अतिथि हैं, उनसे मुलाकात की जाए और उसी प्रक्रिया में वो अभिवादन स्वीकार करते हुए वाहन से उतरकर समीप जाते हुए आमंत्रित खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग द ओलंपियंस। In fact, India registered its best medal tally of 7 medals at the Olympics. And other than the medals, all our teams definitely performed to their best. Performed well and served today as a source of inspiration for these young people. These are 550 NCC cadets sitting with absolute discipline. Maintaining corona discipline, smiles and happiness writ large on their faces. Prime Minister Narendra Modi walking in through the aisles. These are memorable moments which are going to be etched in the memory of these young people, right? बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल नजदीक जाते हुए उनके, लेकिन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन, बहुत उत्साह यहाँ एनसीसी कैडेट्स में, लाल किले की प्राचीर के सामने। और माननीय प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं गंवाते जब वो यहाँ इन सब के नज़दीक पहुँचते हैं, और ये ऐतिहासिक अवसर उस पर अपनी खुशियों को साझा करते हुए उनके नज़दीक जाकर उनकी खुशियों में और इजाफा करते हुए। And I think not missing an opportunity to connect with the youth is wonderful, because these are the engines of our democracy in their own way, in their special way. Some recognized, some not really recognized. We're all powering India towards the future. They need to be nourished with hope, with opportunities and with positivity. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए आम जनता में कितना उत्साह है, ये स्पष्ट तौर पर उनके चेहरों से पढ़ा जा सकता है। सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करीब आना चाहते हैं और इस राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बने हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने शिरकत की, उनसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, उनका उत्साहवर्धन किया, और अब प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल यानी लाल किले की प्राचीर के सामने से। The Prime Minister now departing the venue. ओलंपिक खिलाड़ी, वो चेहरे, वो नाम जो अब सब जानते हैं, देश का गौरव हैं, और अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले से, हर्ष का नव उत्कर्ष, आजादी के 74 वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव को एक यादगार अवसर बनाते हुए देश के कोने कोने से भारतवासियों ने राष्ट्रगान में अपनी आवाज मिलाई है।